हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रदेश में जगह जगह बस चुनावों की चर्चा है कि अब की बार किसकी सरकार। वहीं भाजपा का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी सियासत के इस मैदान को मारने के लिए हर दांव पेच खेल रहा है। वहीं मंगलवार को कुरुक्षेत्र के कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर कसा तंज कि वो जन आशीर्वाद यात्रा नहीं पश्चाताप यात्रा करे। पूर्व सीएम हुड्डा बोले, अशोक अरोड़ा के आने से कांग्रेस को मिली है नई मजबूती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा बोली, मेरिट के आधार पर बटेंगी टिकटें। राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे थे कुरुक्षेत्र। कार्यकर्ताओं में बहुत भारी जोश है और कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। यूपी सरकार ने फैसला दिया है कि जो विधायक थे या कैबिनेट मंत्री थे उनका टैक्स खुद भरेंगे, मंत्री इनकम टैक्स अपना खुद भरेंगे, इनकम टैक्स खुद भरेंगे, तो क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ भी यही है, ये खुद ही भर रहे हैं। रेवाड़ी में पिछले काफी दिन से किसान धरने में बैठे हैं, 5 किसानों की मौत भी हो गई है, तो कांग्रेस को समर्थन रेवाड़ी में क्यों जगह जगह धरने में बैठे किसान, कहीं कंपनसेशन के लिए, कहीं कुछ है, कहीं फसल नहीं मिलता, पूरा वर्क नहीं। कांग्रेस को बड़ी भारी मजबूती मिलेगी। हाँ, पूरे प्रदेश में वरिष्ठ नेता रहे, अपनी पार्टी प्रधान रहे इतने साल तक, तो बड़े अच्छे काबिल नेता हैं, कोई मतभेद नहीं पड़ा। पार्टी फैसला करेगी। मैंने अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि वो एक वर्ग विशेष का नेतृत्व करते हैं। बहुत दुख की बात है कि कोई भी मुख्यमंत्री ऐसी बात करे केवल एक वर्ग। हरियाणा में ऐसा नहीं है, हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। तो ये उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया कि वो भाई को भाई से समान नहीं समझते, अलग समझते हैं, ये उनकी विचारधारा है और लोग इस बात को जरूर पहचानेंगे आने वाले समय में। आज प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।